Hello, welcome to bguru.com. Today we are going to study a very important topic in statistics called testing of hypothesis of difference of two sample means. इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ अ सिंगल मीन है ना इन केस ऑफ लार्ज सैंपल. अब हम देखेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सैंपल मीन इन केस ऑफ लार्ज सैंपल. इसको हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सैंपल मीन फॉर लार्ज सैंपल. तो हम समझते हैं इसको क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास यहाँ पे दो अलग अलग पॉपुलेशन है, ठीक है, दो डिफरेंट पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन वन हो गई, ये पॉपुलेशन टू हो गई, ठीक है, और इस पॉपुलेशन का जो मीन है वो म्यू वन है और इस पॉपुलेशन का मीन कितना है, म्यू टू है, ठीक है. सिमिलरली इस पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो सिग्मा वन है और सेकंड पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा टू है, ठीक है. अब हमने क्या करा, यहाँ पे दोनों पॉपुलेशन से अलग अलग सैंपल निकाले, ठीक है, एक सैंपल निकाला पॉपुलेशन वन से, एक सैंपल निकाला पॉपुलेशन टू से. तो जो सैंपल मैंने पॉपुलेशन वन से निकाला, ठीक है, सैंपल वन, और सैंपल टू मैंने किससे निकाला, पॉपुलेशन टू से फाइंड किया, ठीक. तो जो सैंपल वन मैंने पॉपुलेशन वन से निकाला उसमें सैंपल साइज कितना मान लिया मैंने, एन वन था और इसका मीन कितना था, एक्स बार वन था, ठीक है. सिमिलरली सैंपल टू का सैंपल साइज एन टू था और इसका मीन कितना था, एक्स बार टू था, ठीक. अब यहाँ पे हम क्या मानेंगे, लार्ज सैंपल की बात करें तो दोनों सैंपल के साइज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए. ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सैंपल साइज जब 30 से बड़े होंगे या बराबर होंगे तो उन सैंपल्स को हम लार्ज सैंपल मानते हैं, ठीक. तो दोनों सैंपल क्या होना चाहिए, 30 से या 30 से बड़े होना चाहिए, ठीक. अब यहाँ पे मुझे जो जेड स्टैटिस्टिक्स लगाना है उसके पहले मुझे सेटअप करना पड़ेगा नल हाइपोथेसिस क्या होगा मेरा. तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि जो दोनों सैंपल हैं है ना उनके मीन में कोई डिफरेंस नहीं है, हम ये मान सकते हैं. एक हाइपोथेसिस ये मानेगा, इस वाले केस के लिए बता रहा हूँ, कि दोनों जो सैंपल है उनके मीन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है. हम ऐसा ही बोल सकते हैं या ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों सैंपल उन पॉपुलेशन से लिए गए हैं जिनका मीन म्यू वन और म्यू टू है ना. तो ये भी बोल सकते हैं, तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, अगर मैंने यहाँ पे मान लिया कि म्यू वन इज इक्वल्स टू म्यू टू है तो अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, म्यू वन इज नॉट इक्वल्स टू म्यू टू, ये भी हो सकता है, या म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू या म्यू वन लेस देन म्यू टू, ठीक है. तो इसी के अकॉर्डिंग हम टू टेल टेस्ट वन टेल टेस्ट लगा सकते हैं ना. नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जेड स्टैटिस्टिक्स है, जेड का फॉर्मूला क्या रहेगा, जेड टेस्ट का जेड इक्वल्स टू फॉर्मूला रहेगा हमारा एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार अपॉन में सिग्मा एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार, ठीक है. तो एक्स वन बार का मतलब पहले सैंपल का मीन, एक्स टू बार का मतलब है सेकंड सैंपल का मीन, और सिग्मा एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार का मतलब होता है स्टैंडर्ड एरर, इसका मतलब होता है सिग्मा एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ठीक है. अब तो बस मैं यहाँ पे पहले वाले केस में दो तीन यहाँ पे अलग अलग केस हमें पढ़ना रहेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालने के. सबसे पहला केस क्या रहेगा कि जो पॉपुलेशन है अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन नोन रहेगा है ना, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन इज नोन, ठीक. अब पॉपुलेशन का अगर स्टैंडर्ड डिविएशन नोन रहेगा मतलब सिग्मा वन सिग्मा टू मुझे पता रहेगा जैसे इस एग्जाम्पल में दिखाया जा रहा है, तो उस केस में जो सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा सिग्मा वन स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस सिग्मा टू स्क्वायर अपॉन में n2, ठीक है. ये फॉर्मूला हो जाएगा कब, जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन नोन रहेगा, ठीक. दूसरा, अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन है ना, हमें पता नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, सिग्मा वन सिग्मा टू पता नहीं है मतलब पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कैसा है, यहाँ पे अननोन है. अब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन है इसका मतलब आपको जो सैंपल है उसका स्टैंडर्ड डिविएशन दिया रहेगा एस वन एस टू, ठीक है. तो एस वन का मतलब पहले सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन, एस टू का मतलब सेकंड सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन. तो उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या जाएगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का, जहां पे मैंने सिग्मा वन और सिग्मा टू स्क्वायर लिखा था, अब वहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस वन स्क्वायर और एस टू स्क्वायर हो जाएगा, है ना. वेरी सिंपल, ये जो है हमारा सेकंड केस हो जाएगा, ठीक. अब ऐसे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक और चीज हो सकती है इसमें, एक और चीज क्या हो सकती है कि सपोज करो पॉपुलेशन एक ही हमारे पास और हमने क्या करा, उसी पॉपुलेशन में से दो अलग अलग क्या कर लिए, सैंपल ले लिए, ठीक है, और इस पॉपुलेशन का मीन म्यू है और स्टैंडर्ड डिविएशन का कितना है, सिग्मा है, ठीक.
और इसका सैंपल, ये सैंपल वन हो गया, इसका साइज एन वन, इसका साइज एन टू है ना, इसका मीन एक्स बार वन, इसका मीन एक्स बार टू और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब हमें क्या करना, टेस्ट यहाँ पे ऐसा टेस्ट करने को आ जाए कि हाइपोथेसिस टेस्ट करो कि जो दो सैंपल अपन ने पॉपुलेशन से सिलेक्ट करे हैं, है ना, जो दो सैंपल हमने पॉपुलेशन से सिलेक्ट करे हैं, है ना, वो सिंगल पॉपुलेशन से आ रहे हैं, मतलब जो सैंपल मीन है वो केवल सिंगल पॉपुलेशन से आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो पॉपुलेशन है, मतलब जो पॉपुलेशन है कितनी यहाँ पे केवल सिंगल है और सैंपल उसमें से अपन ने दो लिए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जब हम थर्ड वाले केस की बात करें कि पॉपुलेशन इज सिंगल या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन इज कॉमन, है ना, एक ही रहेगा, तो उस केस में जो सिग्मा एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार, मतलब जो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला रहेगा, है ना, डिफरेंस ऑफ टू में, ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की जगह इसको लिखना डिफरेंस ऑफ मीन लिखना, ना स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू मीन, ठीक। तो फॉर्मूला क्या जाएगा हमारा, सिग्मा बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा वन अपॉन एन वन प्लस वन अपॉन एन टू हो जाएगा, क्योंकि देखो दोनों का मतलब क्या होगा, सिग्मा वन स्क्वायर, सिग्मा वन स्क्वायर मतलब सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, और सिग्मा स्क्वायर कॉमन निकल के बाहर का रूट के तो सिग्मा आ जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड कर लेंगे कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा क्या है, ठीक है, वो कितना हो सकता है, 5% 1% या 10% हो सकता है, ठीक। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, क्रिटिकल वैल्यू क्या निकालते हैं, जेड अल्फा, है ना, क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं जेड अल्फा। तो मैंने यहाँ लिख के रखी टू टेल टेस्ट, राइट टेल टेस्ट और लेफ्ट टेल टेस्ट के लिए, और इन लास्ट हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि अगर मॉड जेड की वैल्यू बड़ी आ गई जेड अल्फा से या मॉड जेड की वैल्यू छोटी आ गई जेड अल्फा से तो हम क्या करते हैं। तो मॉड जेड मतलब क्या रहेगा, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू रहेगी, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जेड अल्फा से बड़ी आती है तो हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी आती है जेड अल्फा से तो हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते या हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया इसका मतलब दोनों सैंपल के मीन में क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा, है ना, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा, जो कैसा रहेगा, सिग्निफिकेंट रहेगा, ठीक है। अब ध्यान के रखना आपको यहाँ पे कि ये जो अपने लिखा सिग्मा एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू मीन, ठीक है, दो मीन के डिफरेंस का स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला रहेगा। तो यहाँ पे तीन अलग अलग केस मैंने आपको बता दिए, ठीक। अब हम इसे क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर वन आपको देखे रखा है यहाँ पे कि इंटेलिजेंट टेस्ट ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स गेव द फॉलोइंग रिजल्ट्स। तो आपको दो ग्रुप दिए यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज के, और उनका जो इंटेलिजेंट टेस्ट हुआ था उसका आपको रिजल्ट देकर रखा है। तो बॉयज ग्रुप का और गर्ल्स ग्रुप का जो मीन आया था, है ना, कितना था, 75 और 70 मीन मार्क्स, और स्टैंडर्ड डेविएशन देकर रखा है और सैंपल साइज देकर रखा है ना, हमने इतना सैंपल लिया था। अब दोनों सैंपल 30 से बड़े हैं, इसका मतलब ये लार्ज सैंपल की प्रॉब्लम है। तो हमें टेस्ट क्या करना है यहाँ पे, इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन स्कोर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमें टेस्ट करना है कि क्या बॉयज और गर्ल्स के जो मीन स्कोर है उनके बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है, ये मुझे टेस्ट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या क्या है। तो देखो मीन देखे रखा है दो सैंपल्स का, तो हमने क्या मान लिया, गर्ल्स को सैंपल वन मान लेते हैं, तो इसमें हम क्या देख लेते हैं, जो मीन दिया है एक्स बार वन वो कितना हो गया 75 और एक्स बार टू कितना हो गया 70। अब ये सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन देख रखे, तो ये हो जाएगा S1 और ये हो जाएगा S2, ठीक है। सिमिलरली सैंपल साइज N1 और N2। अब दोनों सैंपल 30 से बड़े हैं, मतलब ये लार्ज सैंपल की प्रॉब्लम हो गई, तो यहाँ पे हम जेड टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे मुझे सबसे पहले सेटअप करना है नल हाइपोथेसिस सेट करना है ना, जिसको हम बोलते हैं H0। तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस रहेगी यहाँ पे, हम क्या सेटअप करेंगे, नल हाइपोथेसिस H0, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि क्या कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है मीन स्कोर में ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो हम क्या मान के चलेंगे, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों ग्रुप के जो मीन स्कोर है वो कैसा है, एक जैसे आया, इनिशियल हम ये मान के चलेंगे, है ना, हमारा अजम्पशन ये रहेगा। तो हम क्या मान लेंगे, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन स्कोर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, मतलब दोनों के मीन स्कोर में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों के मीन स्कोर कैसे है, इक्वल है, एक जैसे है, ये हम मान के चलेंगे, ठीक।
तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो एच नॉट है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो म्यू वन और म्यू टू है दोनों बराबर हो जाएंगे, तो अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे एच वन कि म्यू वन इज नॉट इक्वल टू क्या रहेगा म्यू टू है, मतलब दोनों के मीन स्कोर में डिफरेंस है। अब किसका मीन स्कोर कम है किसका मीन स्कोर ज्यादा है हम अभी दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या मानेंगे, किसी का भी मीन स्कोर कम या ज्यादा हो सकता है, ये हमारा अल्टरनेटिव रहेगा। इसका मतलब ये किसका एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा टू टेल टेस्ट का, मतलब यहाँ पे हम लगाएंगे टू टेल टेस्ट 1% लेवल पे, ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे टेस्ट स्टेटिस्टिक्स, तो जो हमारा टेस्ट स्टेटिस्टिक है जेड टेस्ट, उसका फॉर्मूला में लिख रहा हूं क्या होता है, तो टेस्ट स्टेटिस्टिक जेड टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार अपॉन में सिग्मा एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे सिग्मा एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सैंपल मीन, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे जो मुझे दे के रखा है सिग्मा एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो देके नहीं रखा है, मुझे सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन देके रखा है, तो जो मेरा फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का वो क्या हो जाएगा, अभी आपको बताया था मैंने, वो होगा एस वन स्क्वायर अपॉन में एन वन प्लस एस टू स्क्वायर अपॉन में एन टू, ठीक है। तो पहले हम ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम जेड इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिग्मा एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार और एस वन की वैल्यू अगर हम देखें तो एस वन कितना है 15 है, तो यहाँ मैं 15 रख दूंगा और उसका जब स्क्वायर करूंगा तो कितना रहेगा 225 डिवाइडेड बाय एन, एन मतलब कितना होगा यहाँ पे 400 प्लस एस टू का स्क्वायर, तो एस टू 20 है उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी एन वन 400 नहीं, एन वन कितना हमारे पास 150 है और एस टू का जब मैं स्क्वायर करूंगा मतलब 20 का स्क्वायर तो कितना होगा 400 डिवाइडेड बाय n2, तो n2 कितना है यहाँ पे 250 है, ठीक है। अब जब मैं वैल्यू को सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो सॉल्व करने पे आंसर क्या जाएगा इसका 1.5 प्लस 1.6, ठीक है। तो जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 1.5 प्लस ये आ जाएगा 1.6 और जोड़ने के बाद जब मैं इसका रूट निकालूंगा तो ये आएगा 1.761, ठीक है। तो जो सिग्मा एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू है इसकी वैल्यू आएगी 1.761, है ना, ऐड करना है उसका रूट निकालना है, ठीक। तो जो हमारा जेड टेस्ट है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो हम यहाँ देखते हैं कि जो जेड है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आपको दिया है एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार, तो ये हो जाएगा 75 माइनस एक्स टू बार कितना 70 और डिवाइड में क्या जाएगा सिग्मा एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार आ जाएगा, तो वो कितना दिया है आपको 1.761, ठीक है। तो जो मैं डिवाइड करूंगा 75 माइनस 70 दैट मींस 5 डिवाइड करूंगा जो मैं 1.761 से तो आ जाएगा 2.84, ठीक। तो ये किसकी वैल्यू होगी हमारे पास, ये वैल्यू होगी हमारे पास z की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये z की वैल्यू होगी यहाँ पे, तो अब मुझे क्या करना है, इस z की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू ऑफ z से कंपेयर करना है ना, तो उसको हम कंपेयर कैसे करेंगे देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये जो वैल्यू है ये होगी z की वैल्यू, है ना, तो इसको मैं mod z भी लिख सकता हूँ, ये होगी हमारा mod z, है ना, तो mod z कितना हो गया ये 2.84, ठीक है। अब अल्फा कितना है हमारे एग्जांपल में 0.01, या आपको कितना दिया अल्फा 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये आपको दे के रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और टेस्ट है हमारा टू टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो z अल्फा कितना है 2.5 फिट आ रहा है, तो इसका मतलब जो z अल्फा है क्रिटिकल वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे यहाँ पे, क्रिटिकल वैल्यू z अल्फा कितनी आएगी 2.5 एट कितने लेवल पे, एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड फॉर किसके लिए आएगी ये टू टेल टेस्ट, फॉर टू टेल टेस्ट, ठीक है। तो अब हम कंपेयर करेंगे वैल्यू और डिसीजन लेंगे, तो अब जब मैं वैल्यू कंपेयर कर रहा हूं तो यहां ध्यान से देखते हैं कि अगर मैंने वैल्यू कंपेयर करी तो जो मॉड जेड है और जेड अल्फा है उसको मुझे कंपेयर करना है, मतलब जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है उसको मुझे क्रिटिकल वैल्यू या टेबुलेटेड वैल्यू से कंपेयर करना है। तो देखो जो मॉड जेड है
वो आ रहा है 2.84 और z अल्फा कितना रहा है 2.58 आ रहा है, मतलब जो mod z वो बड़ा आ रहा है किससे, z अल्फा से, क्योंकि 2.84 बड़ा होता है 2.58 से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारी जो null hypothesis है, जो हमारी null hypothesis है वो क्या हो जाएगी, reject हो जाएगी, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि कुछ ना कुछ significant difference है mean score of boys and girls, मतलब boys और girls के जो mean score है उसमें significant difference आ रहा है, ठीक। अब इसको आप है ना diagram के through भी देख सकते हो, जैसे कि अगर आपने इसका diagram बनाया, two-tailed test है, तो two-tailed test का मतलब alpha कितना है हमारा 0.01 है ना, 1% है, तो दोनों साइड आधा दे रहा है, मतलब कितना आएगा 0.005 और इधर भी कितना आएगा 0.005, ठीक है। ये रहेगा हमारा रिजेक्शन रीजन और ये रिमेनिंग रहेगा 1 माइनस अल्फा, दैट मींस ये रहेगा 0.99, ठीक। तो देखिए यहां पे 1% अगर मैं z की वैल्यू की बात करूं तो z अल्फा है ना ये कितना आएगा यहां पे माइनस का 1% पे z की बात करते हैं माइनस का 2.58 और इधर प्लस का z अल्फा ये कितना आएगा 2.58, ठीक है। अब हम ध्यान से देखें तो ये माइनस z अल्फा रहेगा, अब हम ध्यान से देखें तो जो वैल्यू हमारी कितनी आ रही 2.84 आ रही है, तो इस रेंज के अंदर नहीं आ रही, 2.84 कहां पे आ रहा है, इस एरिया में आ रहा है, ठीक है। तो 2.84 इस एरिया में आ रहा है, इसका मतलब ये यहां पे हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं किसको, h नॉट को, इसको बोलते हैं रिजेक्शन रीजन, और ये रिमेनिंग जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस रीजन, यहां पे हम h0 को एक्सेप्ट करते हैं, बट h0 क्या हो रहा है हमारा रेंज के अंदर नहीं आ रहा है, एक्सेप्टेंस रीजन में नहीं आ रहा है ना, रीजन के बाहर जा रहा है, मतलब इस रीजन में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे h0 को, ठीक। तो आप इस तरीके से भी डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन 2 में क्या बोला आपको, यहां पे क्वेश्चन 2 में दिया है कि जो मीन है दो सिंगल लार्ज सैंपल का, सैंपल साइज कितनी 1000 एंड 2000 मेंबर्स आर 67.5 इंचेस एंड 68 इंचेस रिस्पेक्टिवली। तो आपको क्या दिया है, यहां पे दो सैंपल दिए, तो पहले सैंपल की साइज कितनी यहां पे 1000 है, सेकंड सैंपल की साइज कितनी यहां पे 2000 है, मतलब दोनों लार्ज सैंपल है, मतलब मैं z टेस्ट लगा सकता हूं, ठीक है। सैंपल 1 का मीन कितना दिया आपको यहां पे 67.5 इंचेस और सैंपल 2 का जो मीन है वो कितना दिया आपको 68 इंचेस दे रखा है, ठीक है। अब आपसे पूछा है यहां पे कैन द सैंपल बी रिगार्डेड एज टेकन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 इंचेस, तो आपको ये पूछा है कि तो दोनों सैंपल हमने लिए हैं, क्या ये उस पॉपुलेशन से लिए गए हैं, मतलब एक ही पॉपुलेशन से लिए गए हैं जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 2.5 इंचेस है, मतलब एक पॉपुलेशन है तो उस पॉपुलेशन का मीन तो एक जैसा ही होगा। तो यहां पे हम जो नल हाइपोथेसिस है हमारा एच नॉट है वो क्या मानेंगे कि जो सैंपल है वो एक ही पॉपुलेशन से लिए गए हैं जिसका मीन कितना है म्यू है ना, मतलब म्यू 1 म्यू 2 म्यू के बराबर आएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर है 2.5 इंचेस के बराबर है। तो हम क्या मान लेंगे द सैंपल हैज टेकन फ्रॉम same population having standard deviation sigma equals to 2.5 inches, या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं जो हमारा h नॉट है वो क्या देगा आपको कि जो mu1 और mu2 है वो बराबर है ना, मतलब हम बोल सकते हैं कि दोनों सैंपल का मीन सॉरी दोनों पॉपुलेशन का मीन कैसा एक जैसा रहेगा, एक जैसा क्यों रहेगा क्योंकि हमने सेम पॉपुलेशन की बात कर रही है, ठीक है। और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है यहां पे 2.5 है, तो जो अल्टरनेटिव है h1 है वो क्या हो जाएगा यहां पे कि म्यू 1 और म्यू 2 बराबर नहीं है, इसका मतलब है किसका एग्जांपल हो गया हमारे पास टू टेल्ड टेस्ट का एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब हमारा जो z टेस्ट है वो हम लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं यहां पे क्योंकि दो सैंपल दिए हैं और दोनों सैंपल की साइज क्या काफी लार्ज है, ठीक। तो यहां पे हम z टेस्ट लगाएंगे, z स्टैटिस्टिक फार्मूला क्या होगा x1 बार माइनस x2 बार अपॉन में सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार, ठीक है। अब यहां पे जो सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार है इसका मतलब होता है मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे वेयर सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार, इसका मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 मीन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 मीन, ठीक। अब देखो यहां पे जो सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार दिया है इसमें ध्यान क्या रखना है आपको कि आपको है ना यहां पे ना तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है ना सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है। यहां पे जो तीसरा केस है
कि पॉपुलेशन हमारी एक ही है और उसका स्टैंडर्ड डिविशन आपको देखे रखा है ना, वो वाला केस लगेगा। तो उसका जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू मीन का, जब पॉपुलेशन क्या रहेगी हमारी एक ही रहेगी, तो उसमें फॉर्मूला क्या था, सिग्मा बाहर लिखना था हमें, याद होगा आपको, सिग्मा बाहर और अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा, वन अपॉन में एन वन प्लस वन अपॉन में एन टू। तो ये फॉर्मूला कब लगता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन का, जब हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन आपको सिंगल देकर रखा है, मतलब पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो एक ही है, ठीक। तो यहाँ पे हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार इक्वल्स टू, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी दी आपको, पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो दिया 2.5, तो यहाँ कितना जाएगा 2.5 रूट के अंदर 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1000, फिर 1 डिवाइडेड बाय n2 कितना है 2000, ठीक है। अब जब मैं एलसीएम लेकर सॉल्व करूंगा, तो इसका एलसीएम लिया मैंने, तो ये हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई में अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा एलसीएम 3 डिवाइडेड बाय 2000, है ना, 2000 एलसीएम आएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करूंगा तो 2.5 3 को डिवाइड करूंगा 2000 से, रूट निकालूंगा तो वैल्यू आएगी 0.0387 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 2.5 को जब मैं 0.0387 से डिवाइड करूंगा तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो कुछ आएगी, मैं बताता हूँ कैलकुलेट करके, तो 2.5 × 0.0387, तो ये वैल्यू आएगी 0.09675, तो ये वैल्यू आएगी 0.09675, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मुझे z निकालना है, तो मैं वैल्यू रख सकता हूँ z में, तो z इक्वल्स टू x1 बार माइनस x2 बार है, तो x1 बार कितना है 67.5 और x2 बार कितना है 68 डिवाइडेड बाय सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार की वैल्यू कितनी आई है 0.09675, ठीक है। तो ऊपर कितना बचेगा 0.5 माइनस का, और डिवाइड करूंगा 0.9675 से, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हम देखते हैं, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.09675, ये डिवाइड कर देगा 5.16, ठीक है। तो जो z है उसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 5.16, तो मैं इसको मॉड z लिख लूंगा, तो ये कितना आएगा 5.16 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा कैलकुलेटेड z की वैल्यू, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखना कितना दिया हुआ है, तो हम देखें क्वेश्चन में आपको दिया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो जो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है अल्फा वो दिया है आपको 5%, ठीक है, मतलब 0.05, ठीक। तो जो क्रिटिकल वैल्यू होती है हम वो देख सकते हैं, क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है, जेड अल्फा कितनी आएगी क्रिटिकल वैल्यू। अब उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा 5% का आपको तीन वैल्यू होती है, टू टेल टेस्ट के लिए, वन टेल टेस्ट के लिए, मतलब राइट और लेफ्ट टेल टेस्ट के लिए। तो हमारे क्या यहाँ पे कौन सा टेल टेस्ट है, यहाँ पे देख लिया हमने टू टेल टेस्ट है, ठीक है, तो ये टू टेल टेस्ट आ गया, और 5% की जो वैल्यू होती है टू टेल टेस्ट की कितनी होती है 1.96, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जेड अल्फा 1.96 है कितने पे, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड फॉर टू टेल्ड टेस्ट, ठीक है, मतलब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है और टेस्ट किस टाइप का है, टू टेल्ड टेस्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे कंपेयर करेंगे मॉड जेड को किससे, क्रिटिकल वैल्यू जेड अल्फा से, मॉड जेड मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू, तो मॉड जेड काफी बड़ा आ रहा है, 5.16 काफी बड़ा है किससे, 1.96 है, इसका मतलब जो मॉड जेड की वैल्यू है वो आ रही 5.16, जो बड़ी है किससे 1.96 है, इसका मतलब जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, और हम क्या बोल देंगे कि जो सैंपल है वो सेम पॉपुलेशन से नहीं लिए गए हैं जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 2.5 है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसको डायग्राम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं जैसा बताया गया था। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आगे की वीडियो में हम देखेंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें स्मॉल सैंपल टेस्ट, टी टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, एफ टेस्ट है,
बहुत कुछ हम इसमें आगे सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको लगता है तो आप कमेंट करके डाउट भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।